जी राम राम जी, कैसे हो आप सब? आए हो क्या? आप सब अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो देखिए, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं उठी हूँ अभी थोड़ी देर पहले। मुँह धोए है तो पापा जी के लिए ना थोड़ा सा दूध गर्म कर देती हूँ मीठा, कि नया फीवर हो रहा है ना 3 दिन से, तो इन्हें चाय बंद है, तो इसलिए मैं सोची हूँ दूध दे देती हूँ थोड़ा सा। तो दूध निकाल लिया है, अब जरा सा मीठा डाल देती हूँ। रख दिया बनने के लिए पापा जी के लिए, पतली सी खिचड़ी बना रही हूँ, और इधर चाय रख दिया बनने के लिए, दूध मैंने दे दिया ही नहीं। तो अभी बजे है 9 और खाना मैंने बना दिया है। खाने में बनाया है, खाने क्या बनाया? सब्जी तो आज मैंने बनाई नहीं, तो कढ़ी रखी थी, कढ़ी के आज मैंने बना दिया परांठे, तो थोड़े से रह रहे हैं, इन्हें बाद में बना दूँ। तो अभी करना है मुझे नाज धोना है, कि मैं सोच रही हूँ धूप आ जाती है पे क्यारी, तो धूप में होता नहीं काम इतना, तो मैं सोच रही हूँ नाज धो दे तू पहले, के बाद में मुझे बर्तन साफ़ करने हैं और रसोई साफ़ करनी है। यहाँ पर रखा है नाज, और ये नाज धोना है मुझे आज, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं धोऊंगी, थोड़ा ही धोना है। ये धूप भी अच्छी निकलती है ना, तो मैंने सोच रही हूँ आज धो देती हूँ उसे अच्छी तरह से। बस यही 2 कट्टे रह रहे हैं अनाज के। मुझे अनाज धो दिया हाथ देखे, और सूख जाएगा 2-1 दिन में, क्योंकि बढ़िया धूप निकलती है। फैला दूंगा इसे, अब तो धूप भी बहुत कड़ी कड़ी लगी, और आज सारा काम जो है मेरा दोपहर का ही है, मतलब कि धूप में रहने का ही काम है आज, क्योंकि मुझे जाना है फील्ड में, और खेतों की जो जो है सड़कें होती है उनके फोटो करने हैं। देखिए पूजा लगी हुई है, आज से कपड़े धोनेगी और ताज़ा पानी भर दिया कितने, मैं नीचे समरसेबल चला गया था और मैं रेडी हूँ ड्यूटी जाने के लिए, और ये बोल रहा है मुझे घेर में तार दिए, फिर इसको लाना है मट्ठा, मट्ठे के डिब्बे रखे यहाँ पे, तो मट्ठा लाना है इसको, और मुझे इधर राइट साइड उधर जाएगा इस साइड, तो क्या करूँ, चलो सर छोड़ के उधर जाऊँगा इस साइड दूसरी साइड, क्योंकि मुझे जाना है फील्ड में इधर हुसैनपुर कला बुआड़ा खानपुर, और अंकित जाएगा बुढ़ाड़ा साइड यानी कि घेर में, तो इतना पड़ता है, चलो छोड़ दूंगा इसको। चल भाई उठा ले डिब्बे, मेरा नया वाला बैग, तो ये लेकर चलता हूँ, क्योंकि उसकी चेन जो है टूट गई, और मुझे इतना अड़कस है, इतना बिजी हूँ मैं, कि मैंने इस पर चैन भी नहीं लगवाई अब तक, 15 दिन मैंने ऐसे चलाया बैग, 15 दिन, कुछ तो ड्यूटी पर जाने के बाद टाइम नहीं लगता, टाइम छुट्टी होती है लेट, और इतनी दुकान बंद हो जाती है, तो गगन को बोल दिया है वो ठीकर वाला आवा था, और इसको धोना भी है, धोने के बाद फिर इसे यूज करूँगा मैं, इसे उठा के रख दूंगा, फिर बचाएगा मुझे ये हेलमेट, सिर पे रख रखूँगा मुझे फील्ड में, उसे अद्धा खोल लूँगा। ये देखिए यहाँ पर चल रहा है काम, मामा लग रहे काम पे उन्होंने, और बड़ा इतना कार्य तो हो लिया, थोड़ा सा और बड़ा होगा बेटा जी, इसका क्या 1 फुट होगा बड़ा, इसका 3 फुट होगा, 4 फुट हो जाएगा जी,
तो 4 फुट बड़ा करेंगे इसका। ए नंदे आजा, चार फुट बड़ा करेंगे। तो थोड़ी देर में घूमने के लिए आ गया था क्योंकि आज मुझे जाना है फील्ड में, और यहाँ से आवा जब फोन आएगा। फोन लगा रखे कंधों में भी सुन तो रहा तू। हेलो दोस्तों, देखिए फील्ड में जाने के बाद और ड्यूटी पे आने के बाद सचिव साहब ने मंगाया है चीकू और केले का शेक यानी कि जूस, तो वही लेने आया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी बजे है 12:30 और मैंने नाज भी धो दिया है और कपड़े भी धो दिए हैं। कपड़े रखे हैं यहाँ पर ताकत पे, क्योंकि अभी मैंने ऊपर नहीं फैलाए कि धूप ज़्यादा कैरी हो रही, तो अब जब फलाकर नहीं आया देगी ये वाले धो दिया सारे मैंने, क्या 2 दिन के हो रहे थे ना, तो 1 दिन ना कपड़े धो पे ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि आज धो देती हूँ कपड़े। और ना आज भी देखिए यहाँ पर छांसी हो रही है, इसे धूप में कर देती हूँ फाट। वैसे तो थोड़ा ही रह रहा है सूखने के लिए, 2 दिन भी सूख जाएगा अच्छी तरह से, इसलिए मैंने ना थोड़ा थोड़ा दोनों काट पर डाल देता, इनमें से हाथ निकाल देती हूँ। मैं हाथ निकाल दिया है कपड़े चलते हुए डालने के लिए ऊपर छत पे, धूप आ गई है बढ़िया, सूख जाएंगे। मैं तो सूख रहे मशीन में, तो 5-10 मिनट की धूप चलेगी इन पर। कपड़े मैंने फैला दिए है और चलते हुए मैं नीचे, थोड़े से कपड़े हैं वे नीचे फैला दूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी बजे हैं 5:30 और मैंने झाड़ू भी लगा दिया है और कपड़े भी ले आई हुए मैं ऊपर से। अभी भी नाज इकट्ठा कर दिया है, देखिए यहाँ पर काट रखी है, काट पे रख दिया है अभी नाज। मुझे वो ना ज़्यादा बारिश से है ना, तो इसलिए मेरे पुत्र नहीं, तो भाई आ रहा जब एक तरफ रखवा दूँ इन्हें कोने में, क्योंकि दो दिन की धूप ले आनी आई ना, और तो अभी इतने सूखा कम से सूख रहा है, चिल्ला सा हो रहा है अभी। तो देखिए नाज ढक दिया है मैंने जी कपड़े से, जिस मेरे चादर मैंने फैला था, तो इधर मैंने सब्जी चौंक दिया है गैस पे। देखिए आप सामने बढ़िए, देखिए ए किधर जा रही, किधर जा रही, इधर ऊपर चल जल्दी आ जाओ, ऊपर आ जाओ ऊपर, बस ऐसे हो गई। तो इसमें ना पंखे में कुछ हो रहा है पर, तो ये ना चल रहा नहीं, तो ये सब भाई दिखाने के लिए ला रहा है किसी को बुला के। ये ना 2 दिन से बढ़िया चल रहा था, और इस पर ना कबूतर बैठते हैं ना, तो इसमें कुछ परेशानी सी होगी, तो इसे दिखाने के लिए बुला जा रहा है भाई। ये ना खुद भी कर रहे थे, देखिए यहाँ पर ताकत पर ना मेज रख ली, और हाथ भी जा रहा था अच्छा, तो इस पर इन पर हो यानी भाई पे सारा काम निपटा दिया है। अनाज रखा है यहाँ पर काट पे, और ये कपड़े लाई थे मैं ऊपर से, इनकी तय बना के रखनी है, पहले रोटी सेकनी है, इसके बाद मैं कपड़ों की तय बनाती हूँ, और अलमारी पे से निकाल देती हूँ कपड़े, कि अलमारी में ना उल्टे सुलटे कर देते हैं, और ताकत पे भी निकाल देते थोड़े से मैंने, तो मैं सोच रही हूँ काम से निपटा के ना जब भी आराम से करूँ। देखिए कपड़े ना कितने संभाल लूँ, फिर भी ऐसे ही कर देते हैं, कोई नहीं, 2-3 दिन में मिस्त्री आ जाएगी, जो गेट है ना गेट लगेगा हमारे नीचे के, तो उसमें कौन सा होगा जब अलमारी में वो करवाएंगे, फिर नीचे रख देंगे कपड़े रोज़ के डेली के पहनेंगे। और रिजाई दरी है मैंने यहाँ पर, क्योंकि नीचे ना काम से फैलेगा ना 2-3 दिन में, तो फिर धूल मिट्टी हो जाती है बता, गेट की जैसे गेट सही करने वाले आएंगे ना अंकल जी, तो ये वाले। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम जी, कैसे आप सब, आई होप क्या सब अच्छे हो, और हम सब भी अच्छे हैं। तो सुबह का समय आज जो है ये सामान सब उठाया अपने यहाँ से, लकड़ी है ना ये लकड़ी और दरवाजे चौकट, क्योंकि इनको अपना भूसला के डालना है, तो ये मास्टर जी का घर था जी घेर,
तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 7-8 महीने हो गए ये सामान यहीं पर रखा है, तो अब हमारा घर कंप्लीट हो चुका है, तो सामान हम अपना उठा लेंगे। और ये बाहर वाला मेन गेट है जो लोहे का था पहले, ये वाला भी उठाना है, तो इसको जहाँ तक है बेच देंगे जा, इसका तो कोई काम नहीं। या फिर ये चेयर के आसुनी या चेयर काम कर चला ना, तो उनको भी चाह सकता है ये भूस वाले कोठे में, वैसे सब भी जा प्लाई वाले बोर्ड लगते हैं ना, तो ये उठाना आज। और उसके बाद ये आज मुझे खाना कर भी जाना कुछ काम से। अंकित और गगन आग लग रही है, ले चल ले बस इन्हें और आगर ये अंकित ये सामान था जो वहाँ पर रह रहा था, सारा फर्नीचर का ही आया, दरवाजे वरवाजे लकड़ी का ही सारा सामान। ये गेट हो गया, ये भी गेट था लेटरिन का, और खिड़की थी बाहर की, वही अंदर मेन गेट था, ये भी गेट है और उसे वाला गेट था जिसकी चौखट है, तो लोहे वाला गेट रह गया, वो लाते हैं भैया इसको ले जाना है बाहर बस। चलो बाहर तो निकाल ले, यहाँ पर लगा दिए गेट, ये रख दिया है, और गगन अंकित ला रहे हैं उठाकर, मैं भी ला रहा हूँ साथ ही। हेलो।